फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ रिव्यू ऑफ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद। दोस्तों, छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद का एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, सेकेंड नंबर का। यानी कि अगर हम छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद की बात करेंगे तो एक नंबर का कॉलेज है यार, गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन सेकेंड नंबर का जो कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, देवगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्टडीज औरंगाबाद। तो चलो देखते हैं, इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो कॉलेज है, इट इज़ इन द हार्ट ऑफ सिटी, बहुत ही सिटी के अंदर है। सो देवगिरी कैंपस, रेलवे स्टेशन रोड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। यानी कि देवगिरी कॉलेज का जो बहुत बड़ा कैंपस है, उसी कैंपस में है देवगिरी। आप किसी को भी कहोगे तो छत्रपति संभाजी नगर में आपको यहाँ पे कोई भी आराम से छोड़ सकता है। प्राइवेट कॉलेज है, इस्टेब्लिश इन 2009 एकेडमिक ईयर 2009-10 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन इट हैज़ बिकम वन ऑफ द फेमस कॉलेज बिकॉज ऑफ द फैकल्टीज, द प्लेसमेंट एंड द रिकॉर्ड। इसके वजह से ये एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर में ही नहीं तो मराठवाड़ा रीजन में ये एक टॉप कॉलेज यहाँ पे देखेंगे। एफिलेटेड टू डॉक्टर बाटू, दैट इज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लोनेरा रायगढ़ से ये एफिलेटेड है। एंड बामू यूनिवर्सिटी जो है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, इससे भी ये एफिलेटेड है। अप्रूव्ड बाय AICTE एंड NAC से इसे एक ग्रेड मिल चुका है। दोस्तों, औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर में एक ग्रेड इसे मिल चुका है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। यहाँ पे टोटल 5 स्पेशलाइजेशंस है, यहाँ पे आप 5 ब्रांचेस आपको मिलेंगे। कौन कौन से ब्रांचेस है, तो सबसे पहला है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसका इंटेक कैपेसिटी है 120। यानी कि यहाँ पे 2 बैचेस है, 60+60 की एक इंटेक कैपेसिटी होती है। यहाँ पे 2 डिवीजन है, इसलिए 120 यहाँ पे है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ENTC, उसका भी 120 इंटेक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, यानी कि AI, तो इतने ब्रांचेस यहाँ पे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है इंजीनियरिंग, ये अभी भी शुरू है, इसलिए इसका एक ही डिवीज़न यहाँ पे दिखाई देता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो 5 स्पेशलाइजेशन है, हर एक के लिए बहुत ही बढ़िया लैब्स है, लेबोरेटरीज है। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल किया गया है वो एकदम टॉप क्लास का। लाइब्रेरीज बहुत बढ़िया है, हर एक ब्रांच के स्पेशलाइजेशन के लिए वर्कशॉप है, एक सेंट्रल वर्कशॉप है, बहुत ही बढ़िया। देख सकते हैं आप, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे तो बहुत ही बढ़िया लेबोरेटरीज एंड लैब्स है। टोटल फीस अगर देखेंगे हम पर ईयर कितना फीस है, तो ये उनके कॉलेज का खुद का यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है। फ़ी स्ट्रक्चर फॉर 2022-23 के लिए है। टोटल यहाँ पे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए टोटल फीस यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए पर ईयर आपको यहाँ पे फीस पेड करना पड़ेगी। यहाँ पे जो डायरेक्टर प्रिंसिपल सर है वो है डॉक्टर उल्लास जी शिवरकर सर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे फीस दी गई है, ट्यूशन फी, डेवलपमेंट फी एंड टोटल फीस पर ईयर 1 लाख रुपीज़ फॉर ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे हमें फीस देख सकते हैं। देन हॉस्टल फैसिलिटी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। बॉयज़ का इंटेक कैपेसिटी 152 है, गर्ल्स के लिए 200 इंटेक कैपेसिटी है। यहाँ पे हॉस्टल जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दिया जाता है, मेरिट बेसिस पे नहीं दिया जाता है। जो भी फर्स्ट अप्लाई करेगा उन्हें यहाँ पे हॉस्टल दिया जाता है। हॉस्टल देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे AC, non-AC, अटैच, कॉमन वाले, सब तरीके के हॉस्टल है। ये सिटी के अंदर है, इसलिए दोस्तों अगर हॉस्टल में अगर आपको नहीं मिलता है कॉलेज का जो ऑफ कैंपस ऑन कैंपस हॉस्टल है, तो यू कैन गो एल्सवेयर। यहाँ पे आपको रेंट से भी फ्लैट वगैरह मिल सकता है, या फिर आप यहाँ पे PG का भी ऑप्शन आपको अवेलेबल है। सो इट इज़ डजेंट मैटर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन अब तक यहाँ पर जो कैंपस हो चुका है,
प्लेसमेंट के बारे में, तो 100% प्लेसमेंट दोस्तों यहाँ पे अब तक मिल चुका है, यानी कि लास्ट ईयर 2022 का अगर देखेंगे तो 100% प्लेसमेंट अब तक यहाँ पे मिला है। अब तक का हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे मिला है 12 लाख पर एनम, एंड एवरेज अगर देखेंगे हम तो अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख पर ईयर, इतना यहाँ पे एवरेज पैकेज मिल चुका है। कौन कौन से कंपनियाँ यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं, तो वेल नोन कंपनियाँ, रेप्यूटेड कंपनीज आती है, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, इन्फोसिस है, विप्रो है, HDFC बैंक है, टासा कंसल्टेंसी से माइंडट्री है, हेक्सावेयर है, महिंद्रा टेक, कैपजेमिनी, या फिर इंडिया मार्केट, तो बहुत सारी कंपनियाँ जो है यार यहाँ पे बहुत बड़ा MIDC भी है, शेंद्रा MIDC जो 5-स्टार MIDC है, या फिर यहाँ पे वालूज MIDC भी है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे कंपनियाज है, बाहर के जो भी कंपनियाज है वो भी यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं। तो अच्छा खासा पैकेज अब तक यहाँ पे मिल चुका है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमारा नंबर लगने के लिए क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, 2022 का कट ऑफ है यहाँ पे, जनरल ओपन का कट ऑफ था 82.77, लेडीज ओपन का कट ऑफ था 84.78, जनरल OBC का कट ऑफ था 79.54, लेडीज OBC का कट ऑफ था 83.12, जनरल NT कैटेगरी 1 का कट ऑफ था 76.68, लेडीज का सीट वैकेंट था, जनरल NT2 कैटेगरी का 79.95 एंड लेडीज NT2 कैटेगरी का 53.66, यानी कि काफ़ी नीचे आ चुका था। जनरल NT3 कैटेगरी का कट ऑफ था 78.58 एंड लेडीज NT3 का कट ऑफ, यानी कि वो सीट वैकेंट थी। जनरल SC कैटेगरी का कट ऑफ था 72.65 एंड लेडीज SC कैटेगरी का कट ऑफ था 73.41। मराठवाड़ा रीजन में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद में पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया कॉलेज है। उसके बाद में ST कैटेगरी का वैकेंट है, जनरल VJ का 75.66, EWS इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट के लिए 84.79 कट ऑफ था, TFWS 92.84 कट ऑफ था, एंड DEF ओपन यानी कि वार्ड ऑफ डिफेंस ओपन कैटेगरी का 71.06 कट ऑफ था। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस साल कितना परसेंटाइल मिलने से ये कॉलेज में हमें आराम से CS ब्रांच यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच का ये कट ऑफ है, तो बाकी के जो ब्रांचेस है उसका कट ऑफ इससे थोड़ा थोड़ा नियर अबाउट कम अप्रॉक्सीमेटली इस तरीके से लग जाता है, तो यू कैन गेस कि कितना परसेंटाइल हमें लाना होगा। तो फ्रेंड्स ये था औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, देवगिरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट स्टडीज। होप आपको ये कॉलेज का रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।